स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं आप सभी की वर्कशीट के बारे में, जो कि वर्कशीट कौन सी होगी, याद रखिएगा। ये जो वर्कशीट होगी ना, ये आपकी वर्कशीट है, ठीक है, मिशन मैथमेटिक्स की। किसकी वर्कशीट है ये? मिशन मैथमेटिक्स क्लास 9 की वर्कशीट है। यहाँ पर आपको अपना नेम, यहाँ अपनी टीचर का नेम लिख लेना है। आज की डेट है, याद रखिएगा, 22/8/2024। और ये जो वर्कशीट रहने वाली है, ये है इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। किसके बारे में बात करेंगे? इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। आप सभी को बेटा देखो पता है कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में आपने एक बात जानी कि उसकी वैल्यू कितनी होती थी, उस वेरिएबल की एक वैल्यू होती थी जिससे RHS LHS दोनों बराबर हो जाते थे, इसलिए इनका यूनिक सॉल्यूशन होता था। पर टू लीनियर इक्वेशन जो है इन टू वेरिएबल में क्या होगा? देखो, सबसे पहले टू वेरिएबल है क्या? एक ऐसी इक्वेशन जहाँ पर दो वेरिएबल्स होते हैं और बोथ वेरिएबल्स की क्या हो, पावर कितनी हो? वन हो। ठीक, पावर कितनी हो? वन हो। ऐसी इक्वेशंस को बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन जो होती है टू वेरिएबल की, वो एक्स और वाई होती है। जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो होता है, ये जनरल इक्वेशन है, बेसिक इक्वेशन है, बहुत अच्छे से याद रखिएगा। यहीं पर आप देखोगे ए बी सी यहाँ पर रियल नंबर्स होंगे और ए बी कभी भी जीरो के बराबर नहीं होंगे। इसके अलावा ए जो होगा वो कोफिशियंट होगा एक्स का, बी जो होगा वो कोफिशियंट होगा वाई का, और सी जो होगा ये कॉन्स्टेंट टर्म कहलाता है, और ए और एक्स एक्स और वाई क्या है? वेरिएबल्स कहलाते हैं। सबसे पहले कंपेयर करते हैं लीनियर इक्वेशन विद स्टैंडर्ड फॉर्म। आप देखो लीनियर इक्वेशन को कंपेयर करोगे जब स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो देखो यहाँ पर क्या दिया रखा है, यहाँ पर 2x प्लस 3y बराबर 5 दे रखा था। आप क्या करोगे, 2x प्लस 3y माइनस 5 बराबर क्या मान लो, 0। और जनरल इक्वेशन क्या थी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो यहीं से देखोगे ए बराबर आपका 2 आएगा, बी बराबर यहीं से आपका 3 आ जाएगा, पर सी बराबर यहाँ से माइनस का 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस का 5। इफ एक्स इज 3 एंड वाई इज 1, मान लो अगर एफ 3 और जो है एक्स 3 और वाई 1 है, तो वहाँ पर अगर हम सॉल्यूशन करेंगे तो वहीं से हमें के की वैल्यू क्या हो जाती है, फाइंड हो जाती है। और फाइंड करना हो के की वैल्यू तो कैसे करोगे? देखो कि एक्स की जगह पर आप एक्स की वैल्यू रख दो, वाई की जगह पर वाई की वैल्यू रखो, दोनों को सॉल्व करोगे के की वैल्यू क्या है आ जाएगी। इसी तरीके से आप देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, हमसे बोला गया x बराबर 4 है, y बराबर माइनस का 3, और हमें सॉल्यूशन कर कर k की वैल्यू निकालनी है। हम कैसे निकालेंगे? 6 इंटू 4 प्लस 5 इंटू माइनस का 3 बराबर k। 6 इंटू 4 24 हो जाएगा, माइनस का 15 बराबर क्या हो जाएगा, k। और यहीं से 9 बराबर क्या आ जाएगा आपका, k। 9 बराबर क्या आ गया आप सभी का, k आ गया। 9 बराबर क्या आया, k आ गया। ये आपकी जो है इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो लाइक चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।